जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं संजय आप सभी का आपके YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो जिस भी भाई बहन ने UPSI का एग्ज़ाम दिया है और उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे होंगे कि भैया अब एग्ज़ाम भर्ती हाई कोर्ट में पहुंच गई है, क्या एग्ज़ाम कैंसिल होगा। कुछ बोल रहे हैं कि भाई एग्ज़ाम कैंसिल होगा और कुछ बोल रहे हैं कि भाई अब एग्ज़ाम दोबारा होगा। कुछ बोल रहे हैं कि भर्ती 5 साल में पूरी होगी और कुछ बोल रहे हैं भाई रनिंग मत करो, कोई फायदा नहीं है। तो जितने भी डिफरेंट डिफरेंट आपके दिमाग में मतलब बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं ना, मैं कोशिश करूंगा आज ही की वीडियो में सारे कंप्लीट कर लूंगा। और फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है ना तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। जैसे कि आप देखेंगे कि आपके दिमाग में पहला क्वेश्चन उठ रहा होगा कि UPSI की भर्ती क्या हाई कोर्ट में चली गई है, दूसरा क्वेश्चन उठ रहा होगा कि हाई कोर्ट में सुनवाई कब होगी, बहुत सारे क्वेश्चंस। तीसरा क्वेश्चन आपके उठ रहा है कि रिजल्ट डिले होगा क्या, रिजल्ट डिले होगा क्या। फिर चौथा क्वेश्चन उठ रहा है कि रनिंग करें कि भैया यार रनिंग ना करें, सारे क्वेश्चन अब क्या करें। सारे क्वेश्चन आज ही की वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि UPSI की आंसर की भी जारी कर दी गई है, 9534 पद हैं टोटल, 9534 पद हैं। इन पदों पर क्या हुआ कि एग्जाम चला टोटल, ठीक है। 12 नवंबर से एग्जाम स्टार्ट हुआ था और 12 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक आपका एग्जाम चला, और एग्जाम चलने के बाद में उसके बाद में आपकी आंसर की भी जारी कर दी गई है, सभी ने अपने मार्क्स भी चेक कर लिए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि आंसर की जैसे ही आई तो मैंने भी वीडियो बना के बताया, ये बंद रखिए आप, ये बंद रखिए, ठीक है। तो मैंने भी आपको वीडियो बना के बताया कि भाई कि आंसर की में कुछ लोगों के 150+ क्वेश्चन ठीक थे। जब 150+ क्वेश्चन ठीक थे तो उसको लेके बहुत सारे यूट्यूबर हैं और मैंने भी इस चीज का मुद्दा उठाया कि भाई 150+ क्वेश्चन जीके में से 40 कैसे हो सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि ट्विटर कैंपेन चलाया गया और ट्विटर कैंपेन चलाने के बाद में कुछ लोगों की राय ये है, वो ये बोल रहे हैं कि इस भर्ती को कुछ लोग कैंसिल कराना चाहते हैं, जिनके क्वेश्चन 80 क्वेश्चन ठीक हैं, जिनके 90 ठीक हैं, जिनके 100 क्वेश्चन ठीक हैं, मतलब जिन भाइयों के 120+ क्वेश्चन ठीक हैं वो ये बोल रहे हैं कि आप इस भर्ती को कैंसिल कराना चाहते हैं। तो भाई भर्ती को कोई कैंसिल नहीं कराना चाहता है, ना ही मैं कैंसिल कराना चाहता हूं, ना ही कोई और हमारे जो प्रिय गुरु हैं वो कैंसिल कराना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ ट्विटर कैंपेन जो चलाया गया था वो किस मुद्दे को लेकर चलाया गया था कि भाई भर्ती में जो 150+ क्वेश्चन आए थे, भर्ती बोर्ड से सवाल किया गया था कि आप इसकी जांच करें। जब जांच के लिए सवाल उठाए गए तो भर्ती बोर्ड ने जैसे ही पूरे दिन ट्विटर में कैंपेन चलाया गया और ट्रेंड भी किया कराया गया पूरे भारत में, और 1 मिलियन से ज्यादा ट्वीट कराए गए। तो उसके बाद क्या हुआ, भर्ती बोर्ड ने सीधा सीधा नोटिस निकाल के ये बोल दिया कि भाई आपकी जो ये भर्ती है, ये जितने भी आप ट्वीट कर रहे हैं सभी निराधार हैं, मतलब इसका कोई आधार नहीं है और भर्ती में ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। तो उस चीज को देखकर बच्चों के बीच में और ज्यादा आक्रोश पैदा हुआ कि जब भाई पूरे दिन ट्वीट करने के बाद भर्ती बोर्ड ने इसको जांच का भी मुद्दा नहीं समझा, तो वो फिर क्या कर चले गए, वो फिर हाई कोर्ट में चले गए हैं, ठीक है। तो कुछ लोग हाई कोर्ट में चले गए, मतलब आपको क्या करना है, मैं आपको राय दे रहा हूं, ठीक है। भर्ती चाहे हाई कोर्ट में जाए, भर्ती चाहे सुप्रीम कोर्ट में जाए, अब आपको क्या करना है वो मैं आज बताने वाला हूं। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है आपको, ठीक है। आपको कोई ज्यादा मतलब अपने दिमाग में ख्याल नहीं लेके आने, ना ही कोई जो पढ़ने वाला स्टूडेंट होता है ना तो उसको राजनीति से बहुत ज्यादा दूर रहना चाहिए। कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा, भर्ती कंप्लीट नहीं होगी। अरे भाई आप अपने दिमाग में क्यों ख्याल लेके आ रहे हो बहुत ज्यादा, ठीक है। आपको कोई इलेक्शन थोड़ी लड़ना है, आप एक स्टूडेंट हो, आपको राजनीति से कुछ नहीं लेना है। अब मैं बता देता हूं आपको क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले छठा नंबर का जो मुद्दा है, वीडियो देखना बंद करें। मैं भाई सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जितना भी आप पूरे दिन यूट्यूब पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं ना, जितना भी आप पूरे दिन यूट्यूब पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं ना भाई, उसको पढ़ाई में लगाइए आप। अब आप बोल रहे हैं कि भैया हम कोई देख रहा है किसकी वीडियो देख रहा है, कोई किसकी वीडियो देख रहा है, भाई कुछ नहीं होने वाला, आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे। आपकी जो पढ़ाई जो अभी तक आपने की है ना वो भी आप अपने दिमाग से निकाल लोगे। अब आप ये सोचिए कि आपके पास चलो भर्ती हाई कोर्ट में चली गई है, कोई बात नहीं है, तो आपके सामने तो दो ही रास्ते हैं, या तो री एग्जाम होगा, री एग्जाम भी नहीं होगा जिसके बहुत कम परसेंट चांस है, या फिर भाई एग्जाम में मेरिट लगेगी। तो आप क्या करें, अपनी रनिंग करते रहें ना, आप रनिंग करें अपनी और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें। अब इतने सारे एग्जाम लगे हुए हैं, मैं बता रहा हूं, एक वीडियो अलग भी लेकर आऊंगा इनको लेके, कि इतनी वैकेंसी आने वाली है कि भाई भविष्य में आपको इतनी सारी वैकेंसी देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। यूपीपी में आने वाली है, लेखपाल आने वाली है, ठीक है, दिल्ली पुलिस आने वाली है, SSC GD आने वाली है, ठीक है। उसके बाद ग्रुप डी का पेपर है भाई फरवरी में, NTPC का भाई मेंस है,
एनटीपीसी का 15 फरवरी से मेंस एग्जाम होने वाला है, तो इतनी सारी भर्तियां आ रही हैं और आप अपनी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप यूट्यूब पे वीडियो देखे जा रहे हैं। अब कुछ लोग बोल रहे हैं लेखपाल की भर्ती नहीं आएगी, उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती नहीं आएगी। भाई उस चीज से आपको क्या लेना है, आप अपनी तैयारी करिए ना, क्या आपकी तैयारी कंप्लीट हो गई है? और आप उन विद्वान लोगों की बातें मान रहे हैं जिनको खुद कुछ नहीं आता है, जिनका एग्जाम से कुछ लेना देना नहीं है, वो आके बोल दे रहे हैं कि भाई लेखपाल की भर्ती नहीं आएगी ये। अरे नहीं आए, हम तो ये मान ले नहीं भी आएगी तो आप पढ़ाई करेंगे वो बेकार थोड़ी जाएगी। अगर पता चला लेखपाल की वैकेंसी आ गई अभी 2 दिन बाद ही, तो फिर आप क्या करेंगे? तो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है, आपकी फालतू बातों से आपको ध्यान नहीं देना है। पॉइंट नंबर जो 6 लिखा हुआ है, वीडियो देखनी बिल्कुल बंद कर दो। कोई भी आज प्रॉमिस करेगा कि फालतू की वीडियो ना देखें, फालतू की वीडियो कोई भी ना देखें, ठीक है? आप 24 घंटे में आपका मन नहीं मान रहा है तो 10 से 20 मिनट जिस भी चैनल पे आप ज्यादा विश्वास रखते हैं उसकी वीडियो देख लीजिए, अगर कोई इन्फॉर्मेशन की आ रही है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं आप मेरी वीडियो देखें या मेरे ही चैनल पे आप पढ़ें, लेकिन भाई आप अपनी पढ़ाई करें अच्छे से। भाई ये जो टाइम है ना, मतलब मुझसे मेरे पास कुछ लोगों की कॉल आई है, वो बोल रहे हैं कि भैया हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, इस भर्ती में क्या होगा। अरे कुछ भी हो आप उसको साइड में रख दीजिए, आपने एग्जाम दे दिया है, अब ये भर्ती बोर्ड का काम है या फिर हाई कोर्ट ये जांच करेगा, उसमें जो भी निर्णय होगा वो आपको मानना होगा, आपके सोचने से तो कुछ होगा नहीं ना, ठीक है? ये बात आपको याद रखनी है, वीडियो देखना बंद करना है। और अब आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई करनी है, रनिंग करनी है। जिनको भी लगता है कि हमारा मार्क्स मतलब ठीक है, जिनको भी लग रहा है कि 100+ क्वेश्चन मेरे ठीक हैं, कट ऑफ मैं बता चुका हूं भाई कई बार, आप देख सकते हैं। अगर कट ऑफ की एक बार मैं फिर से चर्चा करता हूं, देखिए चाहे कुछ भी धांधलेबाजी हुई है, कुछ भी हुई है, कम भी मैं मार्क्स बता रहा हूं, अगर कोई गर्ल्स है तो वो 90+ अगर उसके क्वेश्चन ठीक है तो वो रनिंग करती रहे, चाहे भर्ती कैंसिल हो जाए चाहे री एग्जाम हो जाए, लेकिन अपनी आप रनिंग रखिए, क्योंकि रिजल्ट आ गया और रनिंग के लिए आप बुला लिए ना तो रनिंग में आप फेल हो जाएंगे, ठीक है? अगर कोई भी बॉयज है ओबीसी कैटेगरी से है तो 100+ क्वेश्चन अगर ठीक है तो आप भी रनिंग करते रहें, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में कुछ भी हो सकता है। अब आपका नंबर आए ना आए उस चीज को ज्यादा नहीं सोचना है, आपको अपनी रनिंग करनी है, रनिंग के साथ साथ अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है, ठीक है? अब आप एग्जाम देके पता नहीं ये सोच रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया है, अब तो राजनीति का मुद्दा बन गया, कुछ लोग तो पता नहीं अजीब अजीब तरीके की बातें कर रहे हैं, उन चीजों से आपको बचना है। आप क्या है कि स्टूडेंट है, और स्टूडेंट को किससे, राजनीति से बिल्कुल दूर रहना चाहिए, मैं ये बात आपको सत्य बता रहा हूं बिल्कुल, ठीक है? अगर कोई जनरल कैटेगरी में है जिसके 105+ क्वेश्चन ठीक है वो भी रनिंग करें, अपना ईडब्ल्यूएस में अगर किसी के 100+ ठीक है वो भी रनिंग करें, कम पे भी करें और ज्यादा है तो करें ही करें, ठीक है? आप भी मतलब पढ़े लिखे हैं इतना तो आप दिमाग रखते हैं कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। अब भाई जिनके हाई मार्क्स थे उन पे जांच बैठी है और कितने जो भी होगा निर्णय वो भाई हाई कोर्ट करे, सुप्रीम कोर्ट करे, जो भी भर्ती बोर्ड करे, मतलब जो भी आगे निर्णय होगा वो तो आपको मानना ही होगा ना। तो आपको क्या करना है मैं बता चुका हूं, यही काम कर रहा है। अब कुछ लोग बोल रहे हैं भैया कॉल कल करके मुझे परेशान कर रहे हैं कि भैया रनिंग करें या ना करें। अरे ये कोई पूछने की बात होती है क्या? आप 8th क्लास के स्टूडेंट हैं, ठीक है? आपको अपनी रनिंग कंटिन्यू करनी है भाई। 24 घंटे में आप सुबह के टाइम 1 घंटे का टाइम निकालिए और शाम के टाइम में 1 घंटे का समय निकालिए। अरे वैसे भी अगर अपने शरीर के लिए भी रनिंग कर लेंगे ना तो वो भी अच्छा रहेगा, अपनी सेहत के लिए कम से कम 2 घंटा 24 घंटे में से निकालिए आप। 24 घंटा कोई नहीं पढ़ सकता, आप एक एक दो दो घंटे वीडियो देखने में वेस्ट कर देते हैं। कुछ लोग तो व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हैं, कुछ फेसबुक चलाते हैं, कुछ इंस्टाग्राम चलाते हैं, आप उनसे बच के क्या करें? आप अपना 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम रनिंग करें, अगर आपका फिजिकल आ गया तो आप उसके लिए भी तैयार रहेंगे, ठीक है? कोई भी दिल पे ना ले इन बातों को, मैं बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूं आपको, ठीक है? तो अपनी रनिंग करनी है आपको कंटिन्यू, और रनिंग के साथ साथ पढ़ाई भी करनी है। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि भैया आप तो वो ज्ञानी हो गए, मतलब पहले वो दिख नहीं रहे थे यूट्यूब पे लेकिन अब वो अपना ज्ञान बेल रहे हैं आके बहुत ज्यादा, ठीक है? वो कोई भी ये बताने नहीं आया कि भर्ती में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, वो अपना ज्ञान पेलने आ गए हैं। वो बोल रहे हैं कि रिजल्ट डिले होगा। क्यों भाई, आप देख के आए हैं कि भर्ती बोर्ड में जाके रिजल्ट डिले होगा? मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो रिजल्ट डिले हो या ना हो इन अफवाहों से आपको बचना है बिल्कुल भी, ठीक है? कुछ लोग हैं जो मतलब बहुत ज्यादा फालतू की बात करते हैं यूट्यूब पे आके, उन्हें कुछ पता रहता नहीं है, बोल रहे हैं कि रिजल्ट डिले होगा, मतलब उन्होंने साइन किया है रिजल्ट पे कि रिजल्ट अब डिले हो जाएगा। भाई रिजल्ट कभी भी आ सकता है, फाइनल आंसर की आगे रिजल्ट आ गया तो आप कुछ कर लेंगे? आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो आपको इन बातों पे ध्यान नहीं देना है, रिजल्ट डिले हो या ना हो, एग्जाम कैंसिल हो या ना हो, री एग्जाम हो या ना हो, उस चीज से आपको अब टेंशन नहीं लेनी है। कुछ भाई हैं हमारे जो इस चीज को लेके मुद्दा उठाया हुआ है, मैंने भी इस चीज के लिए मैं भी लगा हुआ हूं, तो जो भी इंफॉर्मेशन होगी वीडियो बना के आप तक पहुंचा दी जाएगी, ठीक है? मैं नहीं पहुंचाऊंगा तो कोई और हमारा भाई पहुंचा देगा, लेकिन आप अपनी पढ़ाई करते रहें, ये समय बहुत ज्यादा कीमती है जिसको आप वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप रिजल्ट डिले होगा या नहीं होगा इन चीजों से भी आपको बचना है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है इन चीजों पर, ठीक है? अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि भैया हाईकोर्ट में सुनवाई कब होगी,
अब इनको सुनवाई बता दो कि सुनवाई कब होगी। तो हाई कोर्ट में सुनवाई कब होगी, कुछ लोग पूछे जा रहे हैं बार बार कि भैया सुनवाई कब है। तो सुनवाई के लिए भी मैं आपसे बोल रहा हूं, आपको किसी भी चीज से जितने भी पॉइंट लिखे हुए हैं ना, आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है, ना ही ज्यादा टेंशन लेनी है। बिल्कुल आप अपनी भाई रनिंग कंटिन्यू रखें। हाई कोर्ट में मतलब भर्ती हाई कोर्ट में चली गई, हाँ याचिका दायर हो गई है, नहीं भी हुई है तो हो जाएगी, उस चीज के लिए आप टेंशन ना लें। और सुनवाई कब होगी कब नहीं होगी उस चीज पर भी ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि जो भी निर्णय आएगा वो आपके पक्ष में आए विपक्ष में आए, भर्ती मतलब एग्जाम फिर से हो या ना भी हो, मैं तो यही चाहूंगा कि एग्जाम भाई भर्ती कैंसिल ना हो और ना ही एग्जाम ये कैंसिल हो, बस थोड़ा बहुत जांच करके इसका रिजल्ट दे दिया जाए। क्योंकि भाई कुछ लोग हैं जो दो दो तीन तीन साल से इसका इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, अब उनके पास मौका है कि वो एक दो महीने में दरोगा बन जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा दो मुद्दे की बात यह है कि कुछ लोगों ने मतलब भ्रष्टाचार भी इसमें बहुत ज्यादा फैलाया है, तो अब कुछ भी हो सकता है इस भर्ती में, कि भर्ती हाई कोर्ट में है, सुनवाई कब है, कुछ भी हो सकता है, कभी भी सुनवाई हो। तो अब आप इस पे इसको ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है और ना ही आपको ज्ञानी बनने की जरूरत है। कुछ लोग मुझे भी कमेंट कर बोलते हैं कि भाई तू तो फालतू की बात कर रहा है, ये है वो है, ठीक है भाई, अगर मेरी फालतू की बात लगती है तो कृपा करके वीडियो ना देखा करें आप, ठीक है। अगर आपको मेरी बातें फालतू की लगती हैं तो वीडियो मत देखिए, आपसे मैं कोई रिक्वेस्ट थोड़ी कर रहा हूं कि आप मेरी वीडियो देखिए, लेकिन मैं भाई एक स्टूडेंट होने के नाते आपको बताता हूं बिल्कुल जेन्युइन बातें। मैं मतलब कोई वैसे ही फालतू की बातें करने नहीं आता हूं, और मैं एक मतलब अनपढ़ नहीं हूं, मैं इस चीज से बहुत दिन से जुड़ा हुआ हूं, ठीक है, और मुझे सारी चीज की सच्चाई पता है, किस क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो मैं जो भी वीडियो बनाता हूं ना, मैं सोच समझ के बनाता हूं और बिल्कुल एकदम जेन्युइन चीजें बताता हूं, ठीक है। अगर किसी को भी मेरी चीजें गलत लगती है तो भाई मैं क्षमा चाहता हूं उसके लिए, ठीक है। अब भाई जब देखेंगे तो आपको कुछ लोगों को अच्छी भी लगेंगी, कुछ लोगों को बुरी भी लगेंगी। तो अब आप कमेंट करके बता देना कि इस वीडियो को देखने के बाद में अब आपको कुछ लग रहा है कि कुछ आप करेंगे या अभी भी वीडियो ही देखते रहेंगे। वीडियो सर्च करते हैं यूट्यूब पे यूपीएसआई स्कैम, अरे भाई मत देखिए वीडियो, भाई मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, बहुत सारे एग्जाम हैं और इन सभी एग्जाम के लिए मैं एक वीडियो भी लेके आने वाला हूं अलग से, बहुत जल्द कल आपको मिल जाएगी शायद, तो आप देख लेना किस तरीके से तैयारी करनी है। जो 2022 आ रही है ना, इसमें आपकी नौकरी लग जाएगी पक्का, सबकी नहीं लगेगी, जो तैयारी करेगा भाई मन से। अब ये थोड़ी है सभी की नौकरी लग जाएगी, ठीक है, तो सरकारी नौकरी सभी की नहीं लगती है, जो भी तैयारी करता है, ये नहीं है कि सभी की लग जाती है, ठीक है। अगर एक ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में भी अगर 100 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो उसमें से 10-20 ही सेलेक्ट होंगे, और 100 के 100 भी हो जाएंगे अगर सभी तैयारी करेंगे। लेकिन सभी तैयारी कर नहीं पाते हैं, अपना दिमाग एक तरफ नहीं रख पाते हैं, फालतू की बातों में दौड़ाते हैं, और जो कि मैंने अभी यूपीएसआई के एग्जाम में देख लिया है, ठीक है। तो आप सभी से मेरा निवेदन है, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है और अब आपको क्या करनी है, भाई पढ़ाई करनी है। और मैं भी बता रहा हूँ, मैं भी भाई इसी चैनल पे, देखिए मैं ज़्यादा बड़ा टीचर तो हूँ नहीं, अब आपसे बोलने लग जाऊँ कि मैं बहुत बड़ा ज्ञाता हूँ या बहुत बड़ा टीचर हूँ, मैं इसी चैनल पे देखिए छोटा सा मतलब अपनी तरफ से प्रयास कर रहा हूँ। मेरी डेली 9 बजे से शाम को 9 PM से डेली क्लास चलती है, बस 30 मिनट की मैं वो क्लास लेता हूँ। उसमें क्या है कि मैं GK GS के मिक्स क्वेश्चंस कराता हूँ, तो आप इस क्लास को ले लीजिए भाई 30 मिनट की, ठीक है। और मैं आपको बीच बीच में रीजनिंग की क्लासेस, स्टैटिक जीके की क्लासेस, ऐसी बहुत सारी क्लासेस लेता हूँ इसी चैनल पे, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मैं अभी कभी आपसे क्लास लेने के लिए नहीं बोलता हूँ, लेकिन अब बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप फालतू की ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो 24 घंटे में से 30 मिनट का समय आप हमें भी दे दीजिए, लाइव क्लास लेके देखिए, इसमें 30 मिनट में हम 50 क्वेश्चन करते हैं। और यहाँ कोई ये नहीं बोला जाता है कि वीडियो को शेयर करें लाइक करें, भाई ऐसी कोई बात नहीं है, जेन्युइन क्वेश्चन होते हैं, अच्छे क्वेश्चन होते हैं, 30 मिनट में 50 क्वेश्चन करते हैं, लाइव चलती है डेली 9 बजे से। तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं, मतलब किसी भी तरीके से आप अपनी पढ़ाई करिए, मेरे कहने का मतलब यही है। और जो भी अफवाहें चल रही हैं इनसे आपको कुछ नहीं लेना है, और आपको अपनी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है, ठीक है। आशा करता हूं कि मेरी द्वारा जो बताई गई बात है वो आपको समझ में आ गई होगी, और अब आप अच्छे से अपनी पढ़ाई करेंगे, रनिंग करेंगे, और कम से कम फालतू की वीडियो देखेंगे। और उन लोगों से भी मेरा विनम्र निवेदन है कि भाई आप फालतू की अफवाहों की वीडियो ना बनाया करें। कोई बोलता है कि भर्ती निरस्त हो गई, कोई बोलता है कि भाई एग्जाम की डेट आ गई, तो ऐसा कृपा करके ना करें भाई, ये छात्र हैं भाई, इनके साथ मतलब अन्याय ना करें, क्योंकि भाई मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है, इसी वजह से मैं इन चीज़ों को अब जानता हूं। क्योंकि जितने भी पेड कोर्स आप खरीदते हैं, तो मैं बहुत सारे खरीद चुका हूं, अब मुझे ज्ञान आया है कि भाई पेड कोर्स में कुछ रखा नहीं है, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कल आपको बताने वाला हूं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो जो भी करनी है अच्छे से पढ़ाई करनी है, खुद से करनी है, अफवाहों से बचना है। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बता देना, आपकी क्या राय है, आपको अच्छी लगी या नहीं लगी कमेंट करके बता देना, आपकी कमेंट का मैं इंतजार करूंगा। दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।